प्रश्न में एक्स का मान ज्ञात कीजिए दिया हुआ है। तो इसमें कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उनका पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है, 6x है बराबर 28 का वर्ग माइनस 22 का वर्ग दिया हुआ है। इसे हम a मानेंगे और इसे हम b मानेंगे। यहाँ भी सर्वसमीका के ही उपयोग करके इस प्रश्न को भी बनाएंगे। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस सर्वसमीका का उपयोग करने वाले हैं, बराबर इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी इसे हम लिख सकते हैं। अब इनके मानों को रख दो, तो ए का मान कितना है 28 और बी का मान है 22 है। इसी तरह से यहाँ भी 28 और बी का मान 22 रखेंगे। अब इसका मान कितना रखें, तो इसका मान हम रखेंगे जो ऊपर में जो मान दिया है ना इसके सिद्ध में, वही मान इसका होगा। तो यहाँ पे लिख दो 6x। अगर मैं इन दोनों को हल करूँगा तो हल करने के बाद ये, क्योंकि ये दोनों सेम है तो ये दोनों भी सेम होगा, तो ये दोनों को हम जब इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो ये फॉर्म जो है ये इसका ही आंसर होगा। समझ में आ गया, चलो आगे देखो। अब यहाँ पे 6x लिखो, इन दोनों को जोड़ दो, तो ये 8 और 2 10 का शून्य हासिल आई, 1 2 2 4 और 1 5। जो मान इससे प्राप्त होगा उसके साथ इसे गुणा कर देंगे, तो देखते हैं क्या प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे 6 गुणा हो जाएगा इसके साथ, तो ये 6x बराबर 50 गुणी 6, और ये 6 जो है ना यहाँ पे जुड़ा हुआ है इसके साथ गुणा के रूप में है, तो इसे मैं ले आता हूँ नीचे में। 6 और 6 कट गया, एक्स का मान यहाँ पे प्राप्त हुआ 50। अब किसी को कोई डाउट एक जगह आपको हो सकता है, कहाँ पे, इस 6 के पास, क्योंकि तिर्यक गुणा और पक्षांतर के बारे में जो लोग जानते हैं उनसे ये प्रश्न आसानी से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन तिर्यक गुणा और पक्षांतर के बारे में नहीं जानता है वो लोग इसे नहीं बना पाएंगे। तो मैं यहाँ क्लियर दे, गुणा होता है गुणा और के फॉर्म में, तो देखो ये 6 किस फॉर्म में, गुणा के फॉर्म में। तो तिर्यक गुणा का मतलब जो ऊपर का मान होता है वहाँ पे आ जाता है नीचे में, और ये कब लागू होता है, जब गुणा या भाग के रूप में, जोड़ना और घटाना में पक्षांतर होता है, तो गुणा और भाग में बस यही नियम यूज होगा। आगे के प्रश्न में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो अब देखते हैं दूसरा प्रश्न, 3x दिया हुआ है, 17 है और इसका वर्ग, फिर 14, फिर इसका भी वर्ग। इसे हम a मानते हैं और इसे हम b मानते हैं, a का वर्ग और ये b का वर्ग। इसे हम लिख सकते हैं ए बी और ए माइनस बी। इसके स्थान पे ये सीधे में जो दिया है ना मान उसी को रखना है 3x, और इसका मान ये वाला a से लेना है 17 और b का मान 14। a का मान 17 और b का मान 14। x बराबर इन दोनों जोड़ दो, तो 7 4 का 1 हासिल आई, 1 1 1 2 और 1 हासिल था उसके किए 3 हो गया, गुणित यहाँ से क्या मान प्राप्त होगा, सिर्फ 3 प्राप्त होगा। x को यहीं पे रहने देते हैं और 3 जो है गुणा के रूप में, इसका मतलब तिर्यक गुणा के रूप में नीचे आ जाएगा। तो ये दोनों कट गया, x का मान कितना प्राप्त हुआ, x का मान यहाँ पे 31 प्राप्त हुआ। ये क्या है, इसका आंसर है, आसान था। बाकी जो दो प्रश्न है वो आप लोग बना के देखना, जैसे मैंने अभी हल किया है सेम टू सेम हल होगा। आठवां पे आते हैं, आठवां प्रश्न में 3x माइनस 5y इसका वर्ग दिया हुआ है, को हल कीजिए तथा x बराबर 4 और y बराबर 2 रख के उत्तर की जांच करने के लिए कहा है। तो चलो हल करते हैं। तो प्रश्न क्या दिया हुआ है, 3x माइनस 5y और इसका वर्ग दिया है, इसे हम a मानते हैं और इसे हम b मानते हैं। a b निकल गया, यहाँ पे जो सर्वसमीका उपयोग होगा वो है a माइनस बी और इसका वर्ग, बराबर a का वर्ग प्लस का वर्ग माइनस 2ab, इस सर्वसमीका का उपयोग करेंगे। a का मान 3x और b का मान कितना दिया है 5y, ये रहा वर्ग। देखो सेम टू सेम प्राप्त हो गया। अब यहाँ भी वही करेंगे, 3x का वर्ग
प्लस बी क्या है 5y, इसका भी वर्ग, माइनस 2 ए का मान 3x गुणित बी का मान 5y। तो ये हो जाएगा 3 3 9 और ये हो जाएगा वर्ग, प्लस 5 5 25 और यहाँ पे हो जाएगा वाई का वर्ग, 3 2 6 और 6 5 30 तीस एक्स वाई, ये एक्स वाई हो गया, 3x-5y इसको उतार लेते हैं, इसे समीकरण एक नाम देते हैं। अभी जो मान यहाँ पे प्राप्त हुआ है, इस मान में x और y के मान को रखकर उत्तर की जांच करेंगे। तो चलो उत्तर की जांच करते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, दोनों को साथ साथ लेते हैं, ठीक है, दोनों को साथ साथ लेकर हल करते हैं। तो दोनों साइड ना मान बराबर आना चाहिए, इस साइड जितना मान आएगा उतना ही इस साइड भी आना चाहिए, इस साइड जितना मान आएगा उतना ही मान इस साइड आना चाहिए। तो चलो देखते हैं। तो रखेंगे क्या, x बराबर 4 रखेंगे और y बराबर 2, समीकरण एक में रखने पर। तो 3 × 4 − 5 × 2 और इसका क्या है वर्ग है, यहाँ भी रखो 9 × यहाँ पे 4 और यहाँ पे वर्ग है तो वर्ग करेंगे, प्लस 25 × y दिया है तो इसका भी वर्ग कर देंगे क्योंकि यहाँ पे वर्ग है, माइनस 30 x का मान 4 और y का मान 2, ये हो जाएगा 3 × 12 − 5 × 10 और इसका भी वर्ग, ये 9 × 4 = 16 प्लस 25 और ये हो जाएगा गुणित 2 × 4, इनको भी गुणा करते हैं तो कितना होगा 30 × 4 = 120, 120 × कितना होता है 12 × 24 240, इतना ही होगा 240, तो ये आ गया 240। यहाँ पे इन दोनों को घटा दो तो 12 में 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, 2 का वर्ग हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे वर्ग लगा है। इन दोनों को गुणा करो तो 16 निया कितना होता है 144, तो 144 प्लस 25 × 100 और माइनस 240, ये दोनों प्लस में है इसका मतलब ये दोनों जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 244 − 240 और इसको हल करोगे तो 2 का वर्ग मतलब 4, यहाँ पे 4 प्राप्त हो गया। इस साइड भी देखते हैं 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे इन दोनों को घटाओ, ये प्लस में है माइनस में है तो 4, देखो दोनों साइड 4 प्राप्त हो गया, इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। तो सत्यता की जांच करना था तो क्या हो गया, यही क्या है? इसका आंसर है उत्तर की सिद्ध हुआ, लिख लो सिद्ध हुआ मतलब सत्यापित हो गया। आगे बढ़े, 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न में दिया हुआ है x अपान 3 प्लस y अपान 4 और इसका वर्ग दिया है को हल कीजिए तथा x बराबर 9 और y बराबर 12 दिया है और यहाँ भी उत्तर की जांच ही करना है। तो चलो पहले प्रश्न को लिख लेते हैं। प्रश्न क्या दिया हुआ है, x अपान 3 दिया हुआ है प्लस y अपान 4 दिया है और इसका भी क्या करना है वर्ग करना है। ये आगे वाले को हम क्या कहते हैं, इसे हम a कहते हैं और इसे हम b कहते हैं, ठीक है। तो a के लिए हम इस मान को रखेंगे और b के लिए इस मान को रखेंगे। चलो यहाँ पे जो सर्वसमी का उपयोग करने वाले हैं उसको देख लेते हैं। तो ये a प्लस b और इसका वर्ग, ये होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab। मानों को अब तो a का मान क्या है x अपान 3 प्लस y का मान 4, वर्ग यहाँ भी वैसे ही करेंगे x अपान 3 इसका वर्ग प्लस y का वर्ग अप 4। एक सेकंड, इसे इस तरह से लिखेंगे 2 × x अपान 3 × y अपान 4, a और b का मान ये है। तो x अपान 3 प्लस y अपान 4 इसका वर्ग
यहाँ पे इसको जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स का वर्ग, और तीन का वर्ग करेंगे तो नौ होगा, प्लस वाई का वर्ग और चार का वर्ग करेंगे तो सोलह होगा। यहाँ पे दो एकम दो दूनी कट गया, बचा क्या एक्स वाई, और नीचे में तीन दूनी छह बस बचा है। इसे मैं समीकरण एक मान लेता हूं। अब समीकरण एक में एक्स बराबर क्या रखेंगे, नौ, और वाई बराबर बारह रखेंगे, और उत्तर की जांच कर रहे हैं ना। अब उत्तर की जांच करने के लिए कहा इस प्रश्न में, तो उत्तर की जब जांच करेंगे तो x बराबर 9 रखेंगे और y बराबर 12 रखने के लिए कहा है। चलो देखो, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। जितना लेफ्ट हैंड साइड मुझे प्राप्त होगा उतना ही राइट हैंड साइड प्राप्त होगा, तभी क्या है उत्तर की जांच होगा। देखते हैं, तो यहाँ पे x का मान 9 है तो 9 रख देते हैं, और नीचे में क्या है 3 है। y का मान 12 है और नीचे में 4 दिया हुआ है, और यहाँ पे वर्ग लगा हुआ है। यहाँ भी वैसे ही करेंगे, 9 का वर्ग और ये 9, और y का मान 12 और इसका वर्ग और ये 16, ये 9 गुणित 12 और नीचे में 6। 3 एकम 3 दिया, 4 एकम 4 दिया, 3 और 3 कितना हो जाएगा जुड़ेगा तो 6 हो जाएगा, और यहाँ पे वर्ग है तो 6 का वर्ग। यहाँ पे 9 एकम और ये घात कट गया, 9 नहीं कटा घात कटा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 9 है, 9 के ऊपर में एक घात, और यहाँ पे 9 के ऊपर में दो घात, तो दो घात में एक घात को घटाएंगे कितना घात बचेगा एक घात, तो सिर्फ 9 बस बचेगा। प्लस यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कट रहा है, तो पहले इसको हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 12 गुणित 12 कितना होता है 144, और 16 से इसे भाग देना है। यहाँ पे देखो 3 के पाड़ा से 3 दूनी और 3 तिया, ये भी कट गया, 2 एकम 2 छक्के कट गया, तो कितना बचा है यहाँ पे सिर्फ 18 बस बच रहा है। इसको हल करो तो ये 36 प्राप्त हो गया। अब देखते हैं इस साइड में 36 आ रहा है कि नहीं, अगर 36 आ जाएगा तो उत्तर जो है वो क्या होगा सही होगा, मतलब सत्यता की जांच हो जाएगा। देखो ये 9 है, इसको हल करते हैं 16 एकम 16 निया 144, तो 9 आ गया प्लस 18, 36 बराबर 9 9 18 18 दूनी 36। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या है बराबर है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे लिखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, इसका मतलब सिद्ध हुआ। समझ में आ गया, उत्तर की जांच जो है वो एकदम सही है।